नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है TV20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। नोएडा से खबर है, जहां आज विश्व योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त आलोक सिंह व कमिश्नरेट के सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा COVID-19 गाइडलाइन के अनुरूप स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर व आनंदपूर्ण जीवन के लिए योगाभ्यास किया गया। आध्यात्मिक संदर्भ में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। इस मौके पर योगा एक्सपर्ट्स द्वारा उपस्थित सभी प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया गया व योग से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स भी प्रदान किए। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर ने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें व योग से अपने तन और मन को साधने के सबसे सरल और सर्वोत्तम माध्यम को अपनाएं। विश्व योग दिवस के शुभ अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लव कुमार, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय पुष्पांजलि देवी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय मीनाक्षी कात्यावन, पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा वृद्धा शुक्ला नोएडा सेंट्रल नोएडा ग्रेटर नोएडा जोन के पुलिस उपायुक्त यातायात व अन्य अधिकारीगण एवं पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे रंगरूटों ने उपस्थित रहकर योगाभ्यास किया। फिर बाहर छोड़िए, क्योंकि समय की कसौटी भी है। मैं उसी के अनुसार चलूंगा। अब तीसरी गति, धीरे धीरे आंखें खोलें। ये तो लंबा शिविर होगा जब आप लोगों को 7 दिन पूरी प्रशिक्षण देंगे। ये तो एक संकेत मात्र है। अब देखिए तीसरी गति, अब फेफड़े का निचला हिस्सा इतना एक्टिवेट होगा, क्योंकि जब फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं भरती तो फेफड़ा नीचे से चिपक जाता है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस TB की शुरुआत कहते हैं, याद रखना। और जब ये पूरा भर जाएगा, डायाफ्राम तक आपका लंग्स टच हो जाएगा यहाँ तक, तो कभी भी आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकती। हम उसको भरना ही नहीं जानते, हमें श्वास भरना भी हम ऐसे भरते थे, ये कुछ नहीं हुआ। ये धीरे धीरे प्राण अंदर जाएगा, ऐसे एक वेग से सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर इसको बाहर सुनार जैसे शुद्ध।